गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टाइटल आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है एंड छोटा सा क्लिप भी देख ही लिया है। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये वाला मेकअप लुक अच्छा लगा होगा, डिफरेंट लगा होगा। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप कुछ डिफरेंट ट्राई करो, तो मैंने भी सोचा कि कुछ डिफरेंट लेकर आते हैं। व्लॉग्स तो डेली जा ही रहे हैं, बट आज मैं आपके सामने लेकर आने वाली वर्स्ट मेकअप रिव्यू। ओ माई गॉड, और पता है जहाँ मैं मेकअप कराने जा रही हूँ, मैंने उन दीदी से बोला है कि मुझे ना एंगेजमेंट के लिए तैयार होना है, एंड मैंने ये वाला जो लहंगा है ना, ये वाला लहंगा एंड ये वाले इयररिंग्स रख लिए हैं, एंड मैंने उन्हें बोला है कि मेरी एंगेजमेंट है एंड मुझे एंगेजमेंट के लिए तैयार होना है। तो चलो फिर वेट किस बात का, चलते हैं और देखते हैं हमारा आज का मेकअप लुक। दीदी एंगेजमेंट का मेकअप कराना है, कितने रुपए लोगे? दीदी ने मेकअप की स्टार्टिंग की है फाउंडेशन से। कोई प्राइमर नहीं है, कोई मॉइस्चराइजर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस तर 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 चाटे हैं जो मेरे चट 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 लग रहे हैं। अरे भगवान, दीदी क्यों मार रही हो? रहम करो थोड़ा सा, इतना क्या पीटना मुझे? आप हाथ से ब्लेंड कर दो। दीदी से ब्लेंड करना नहीं कहते हैं, इसे बारिश करना कहते हैं। चाटो की जो आपने मेरे ऊपर की है, और ये लो दीदी ने दोबारा थोपा फाउंडेशन। दीदी आपका थोड़ा सा रह गया, देखिए से ब्लेंड नहीं हुआ है। नहीं नहीं ठीक है, आपको मेकअप होने दो, उसके बाद देखना। मतलब डांट भी पड़ेगी, चाटे भी पड़ेंगे, ऐसा कौन सा मेकअप कर रही हो? ओ आटा ले आई हो क्या दीदी? आटा, इतना सारा पाउडर, इतना तो फाउंडेशन भी नहीं लगाया था। दीदी ने लिया पॉन्ड्स का पाउडर और थोप डाला मेरे मुंह पे। और दीदी की हमारी जो खास बात है कि दीदी कुछ मानती नहीं है, आप कुछ भी कह लो पहले सुन लेती है, फिर कहती है नहीं 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 ठीक है। दीदी आपने कंसीलर तो लगाया नहीं, मेरे देखो ये लाइन बढ़ रही है ना यहाँ पे ऐसा। ले कर दिया दीदी ने सारा काम। दीदी ने लिया फाउंडेशन और दोबारा थोप दिया। दीदी इसे फाउंडेशन कहते हैं, अभी तो तुमने लगाया था, फिर फाउंडेशन लगाया, फिर पाउडर लगाया, अब फिर फाउंडेशन थोप दिया। ये ब्लेंड भी नहीं हो रहा है, और दीदी लग रहा है फेशियल कर रही है। दीदी को शायद फेशियल करने का मन कर रहा था। ऐसे कौन सा फाउंडेशन लगता है दीदी? भैया चलो अब आई है दीदी अपने मेन मुद्दे पे। दीदी को मेरी आईब्रो दिख नहीं रही है, दीदी को लग रहा है कि मेरे पास आईब्रो नहीं है। एक टूटी पेंसिल जो मेरी आंखों में चुभे जा रही है, उससे दीदी ने बना दिया है मुझे कूर सिंह। जानते हो ना आप सब, दीदी आईब्रो को बड़ा करे जा रही है, करे जा रही दीदी इतना डांटती है जो दुल्हन बनने जा रही है। दीदी ने देखा उनकी पेंसिल टूटी है, फिर भी उनको मतलब नहीं है। भैया ये एंगेजमेंट का मेकअप है दीदी, हॉरर मेकअप नहीं है। हाय राम, मैं खुद ना डर जाऊं अपनी आईब्रो देख के। अब लो दीदी की फिर पुताई शुरू। दीदी ने एक बहुत ही टूटा हुआ फेस पाउडर लिया और थोक डाला मेरे मुंह पे। दीदी खेल कर रही है फाउंडेशन पाउडर, फाउंडेशन पाउडर का लिपस्टिक से बंदो। करा है आप लोगों ने कभी लिपस्टिक से कॉन्टूर? भैया लिपस्टिक छूटी नहीं रही है। दीदी ने टिश्यू पेपर लिया, उसे गीला किया, उससे मेरी नाक घिस डाली। दीदी को लगा ही तो गड़बड़ हो जाएगी। दीदी ने एक ब्राउन कलर लिया, उंगली से घिस डाला। दीदी मंजन कर रही हो क्या मेरे गालों पे? भैया दीदी ने मेरे गालों में दर्द कर दिया। ये कौन सी कॉन्टूरिंग है दीदी, प्राइमर तक तो नहीं लगाया तुमने? अब दीदी ने सोचा कि थोड़ा आंखों को सजा लें, और मैंने दीदी से कहा था कि मेरे दुपट्टे का रंग है हरा, तो बस फिर क्या बात थी। किसने हम पे हरा रंग डाला? दीदी तुमने मार डाला, तुमने मार डाला। थोड़ा ज्यादा डार्क नहीं लग रहा है मेकअप? नहीं नहीं तुम्हारा लहंगा थोड़ा हल्का है ना, इसलिए मेकअप ज्यादा डार्क किया। सीख लो भाई आप लोग भी मेकअप करना। आई मेकअप थोड़ा डार्क किया करो, हरा नीला लाल पीला, हरा 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 हरा, अब फैल गया, अब हरे पे लाली। अब दीदी से ये पूछो, दीदी मेरे लहंगे में लाली नहीं है कहीं पर भी, तो तुम्हें क्यों छुपा रही हो? दीदी ने मेरी लाल पुतली बना दी है हरे मेकअप के ऊपर, और पूरा मेरा मेकअप गिर गया आंखों के नीचे।
बस टिश्यू उठाया और पोंछ डाला, पर वो नहीं साफ होगा दीदी, और दीदी ने मेरी नाक ही हरी कर दी। अब दीदी ने कहा पुट्टी है भाई पुट्टी है, ये यहाँ भी होती है ये वहाँ भी होती है। दीदी ने लिया फाउंडेशन पोत डाला, पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। दीदी ने सोचा कुछ तो करा जाए, उनने लिया लाल रंग हरे के ऊपर पोत डाला। मैंने कहा है ना हरा नीला लाल पीला पोतो वही पोतो, लग रहा है दीदी के पास फ्री का मेकअप आता है या फिर कस्टमर नहीं आता है। अब दीदी ने सोचा हाइलाइटिंग कर दे, ऐसी हाइलाइटिंग की कि मेरी आईब्रो चमक रही है सिल्वर कलर की, बहुत सुंदर दीदी। लाली 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 दीदी ने कर दी मेरे गाल लाल। कहाँ भेज रही हो दीदी, सर्कस में नहीं जाना है? दीदी कान में ब्लश कौन लगाता है? दीदी ने मेरे कान में ही ब्लश लगा दिया, एक इधर एक उधर। फिर दीदी ने कहा स्माइल प्लीज। दीदी कौन हंसेगा, किस कौन स्माइल कर पाएगा इस मेकअप के बाद? ओ कौन हूँ मैं? अब दीदी ने फिर हाइलाइटिंग करी। कहाँ की दुल्हन बना रही हो दीदी, कहाँ की दुल्हन? आप लोग बताना ऐसी कौन सी दुल्हन होती है। और मेरी नाक की कॉन्टोरिंग तो हट गई, दीदी ने पुट्टी लगा दी फाउंडेशन की। अब दीदी मेरा मुंह लेती हैं, फट से इधर घुमा लेती हैं, फट से उधर। मुंह है दीदी मेरा ये, लग रहा है दीदी को पुतला है, दीदी कुछ भी थोपेंगी। अब तो दीदी ने हदें पार कर दी मेरी थोड़ी चमका के पूरी। थोड़ी पता है ना चिन्ह, बस उसे क्या है, अब चमकाओ चमकाओ घिसन घिसी। अब दीदी को लगा नहीं भैया ये पुतली तो दिख ही नहीं रही है, थोड़ा और लाल रंग पोतेंगे ना तो पुतली नजर आएगी, तो हरी के ऊपर लाल पुतली बना दी। अच्छी लग रही है ना पुतली, बताना जरूर आप लोग कैसी लगी मेरी पुतली। यही हुआ है आज, लगता है दीदी ने ना पूरे अपनी मन की ख्वाहिश मेरे पास कर ली है। लॉकडाउन में दीदी के पास कोई आया नहीं मेकअप कराने के लिए, तो दीदी ने सोचा कि आज ये कस्टमर आया है तो इसको तो मैं अपना पूरा रंग दिखा के रहूंगी। अब दीदी ने लगाया आईलाइनर, और मुझे तो यही डर लग रहा था कि दीदी मेरी आंख में ना घुसा दें कहीं लाइनर, पर दीदी ने लाइनर तो सही लगाया और मैं 1% खुश हुई तो दीदी ने दूसरे % में कर दिया मेरा पूरा काम तमाम। दीदी ने नीचे भी लाइनर लगा दिया, तो मुझे लग रहा था ये मेरी अगर आंख में घुसा देंगी दीदी तो मैं क्या करूंगी। अब दीदी ने बनाई है विंग, लगाया है आप लोगों ने 2 विंग वाला लाइनर। अब दीदी ने सोचा कि इसमें भी लगा दिया जाए, मोटा लगा दिया भैंसे जैसा। दीदी ने कहा ज्यादा स्पेस है आंखों का, थोड़ा अलग विंग पहुंचा दिया। इसका विंग हवा में उड़ रहा है, उसका विंग लटक रहा है। उड़े उड़े जाए उड़े उड़े जाए मेरे आंखों के विंग, उड़े उड़े जाए उड़े उड़े जाए उड़े उड़े जाए। इस वाला ये वाला लाइनर थोड़ा सा मोटा मोटा ही थोड़ा पतला लग रहा है। नहीं नहीं ठीक है, डबल विंग्स वाला लाइनर लगाया है। सुन लिया ना खुद ही, डबल विंग्स वाला लाइनर है। अब दीदी ने जो हरी पुट्टी ऊपर पोती थी ना वही पुट्टी नीचे पोतना शुरू कर दी। लग रहा है कि मेरी आंखों को आज दीदी कुछ बना के ही रहेंगी, ऐसे नहीं मानने वाली है दीदी वाली। बताओ आप लोग कितना मेहनत की है दीदी ने मेरी आंखों पे, पूरा टाइम अपना जितना भी सारा मेकअप था ना जो लॉकडाउन में बच गया था वो सारा दीदी ने मेरे ऊपर पोत दिया है। अब बस दीदी को बनाने हैं मेरे होठ का होटल। दीदी ने लग रहा है दीदी को यहाँ पे लोग ठहरने आएंगे तो थोड़ा कम जगह है तो थोड़ी जगह बढ़ा दी जाए। अरे दीदी बहुत बड़े होठ हैं मेरे, क्या बना रही हो इनका? दीदी थोड़ा होठ बड़े हो गए ना? नहीं नहीं अच्छे लग रहे हैं। नहीं नहीं तो दीदी का फेवरेट वर्ड है, दीदी से कुछ भी कहो तो दीदी कहेंगी नहीं नहीं बहुत अच्छे लग रहे हैं, इतने सुंदर होठ है मेरे, मुझे तो आज एहसास हुआ है। दीदी लगता है कट्टन जीरो खेल रही है मेरे होठों पे। दीदी ऐसा लग रहा है आपको व्हाइट बोर्ड मिल गया है, आप उस पर पुताई करे जा रही हो, पता नहीं क्या करके मानेंगी दीदी आज ये। आज से पहले लग रहा है दीदी ने मेकअप नहीं किया है और बहुत दिनों के बाद दीदी के हाथ को ही लगाया तो दीदी ने सोचा कि वाह क्या बना दिया। फिर दीदी को एहसास हुआ कि मैंने कुछ ज्यादा ही कट्टन जीरो खेल लिया, तो दीदी ने कट्टन मिटाया थोड़ा सा, दूसरा कट्टन बना दिया। क्या चाह क्या रही थी दीदी, क्या चाह रही थी? कितने बड़े होठ होने चाहिए मेरे,
बताओ भैया, बंदर बना दी दीदी आपने तो। पर खेल अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ, अब दीदी ने बिंदी ही टेढ़ी लगा दी, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही सीधे लगा लूं, वरना दीदी पता नहीं क्या कर देंगी इस पे। दीदी ने लगाए आई लैशेज जो घर आते आते छूट के भाग गए थे। क्यों लगाए थे पता नहीं, इतने छोटे लैशेज आधी पलकों पर चिपक गए मेरे। लग रहा दीदी ने एक ही लैश को दो कर लिया था। डर तो नहीं रहे हो ना आप लोग? आप भी देखो दीदी ने करी पुताई शुरू ये वाली। तो मैंने कहा दीदी ये वाला तो हमारे में नहीं होता है मेकअप। दीदी ने कहा थोड़ा डिफरेंट लगोगी, ब्राइडल लगोगी। दीदी शादी नहीं है, एंगेजमेंट है, लड़का भाग जाएगा। आप ही देख रहे हो दीदी ना कहाँ से पोता है, ये दीदी के जो लड़का है ना उसके वाटर कलर हैं। दीदी ने वाटर कलर से पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया मेरे ऊपर। अब बताइए, आप आए हैं इस बगिया में फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। आप आए हैं इस बगिया में फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। दीदी को लग रहा था मैं इस गाने पर डांस करूंगी अपनी एंगेजमेंट पर, इसलिए दीदी ने मेरा ऐसा मेकअप लुक क्रिएट कर दिया। क्या चाह रही थी दीदी आप, बस बिंदी की तरफ भी लगा देंगी। मैं कह रही दीदी मेरे को कहीं नहीं जाना, मेरी एंगेजमेंट है, मुझे सादा तैयार कर दो। पर दीदी नहीं मानती, दीदी ने टीका लगाया। फिर दीदी मुझसे कहने लगी तुमने नथ क्यों नहीं खरीदी, तुम्हारे पास नथ नहीं है। तो लो दीदी ने बना दी भैया नथ, लगाई बिंदी, बिंदी के चारों तरफ लगा दिया ये बिंदिया एक और। तो बस अब मैं आपको पूरा अपना कपड़े चेंज करती हूँ, फिर मिलती हूँ। डरना मना है, कैसा लग रहा है मेरा मेकअप लुक बताना जरूर कमेंट करके। अच्छी लग रही हूँ ना, कुछ डर भी रहे हो या नहीं डर रहे हो? हॉरर मेकअप लुक बना दिया। तो ये हो गया मेरा लुक कंप्लीट, एंड आप लोग प्लीज मुझे बताना कि आप लोगों को ये वाला मेकअप लुक कैसा लगा। मैं मोंजूलिका लग रही हूँ, प्लीज जरूर बताना। एंड मैं क्या कहूँ इस मेकअप के बारे में, मुझे नहीं पता। मैं अगर एंगेजमेंट में ऐसे जाती तो शायद सबकी नजरें मेरे पर ही होती। वेल अगर बात कर रहे हैं दीदी ने ना पता ये चीज तो बहुत अच्छी लगाई है, एंड ये कितना अच्छा बना है, बट लिपस्टिक का ओ माय गॉड क्या करा है दीदी ये मेरे मुंह पे। बट आप लोगों को देना है इस वीडियो को बहुत सारा लाइक, अगर आप चाहते हैं मैं इस टाइप की और वीडियो बनाऊँ या फिर एक बेस्ट मेकअप लुक बनाऊँ, ब्राइडल लुक क्रिएट करूँ, तो लाइक देना है, भर भर के शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को।